ई कॉमर्स, ई कॉमर्स क्या होता है? वह कॉमर्स जो कि ई है, यानी कॉमर्शियल एक्टिविटीज, लेन देन की जो भी एक्टिविटीज है वो किससे? इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के माध्यम से पूरी की जाए या इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म का प्रयोग किया जाए तो उसको ई कॉमर्स कहते हैं। ई कॉमर्स के कुछ मॉडल्स होते हैं, कौन कौन से मॉडल्स होते हैं? तो एक तो होता है B2B, दो बिजनेस है, ये होलसेलर है और ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, इन दोनों के बीच में जो डीलिंग हो रही है वो किसके माध्यम से हो रही है? एक वेबसाइट से। तो B2B, बिजनेस टू बिजनेस, जैसे अलीबाबा, अमेजन बिजनेस, ये सब जो है उसके एग्जांपल। फिर B2C, बिजनेस और कंज्यूमर के बीच में होता है तो उसको B2C कहते हैं, बिजनेस और कंज्यूमर। फिर होता है C2B, कंज्यूमर जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट इधर रखता है और उसके माध्यम से जो बिजनेस है वो अपने प्रोडक्ट को तैयार करता है, प्रोडक्ट को तैयार करके उसको जो है वो चीजें दी जाती है। तो इस तरीके से ये कौन सी होती है? C2B। और ये क्या है? C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, जैसे OLX वगैरह जो है वो कंज्यूमर टू कंज्यूमर। अगर गवर्नमेंट बीच में आ जाए तो भी कुछ मॉडल्स बन सकते हैं, जैसे बिजनेस किसको दे रहा है? B2G, बिजनेस टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू बिजनेस और गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू सिटीजन भी जो है वो चीजें दी जा सकती है। इसके लिए भी इलेक्ट्रॉनिक चीज का प्रयोग किया जा सकता है। भारत में ई कॉमर्स का विकास जो है कितने में हुआ? दो फेजेस के अंदर हुआ। सबसे पहले तो 1996 से 2007 तक, 1995 तो भारत में इंटरनेट शुरू हुआ और उसके बाद 1996 में भारत में पहली ई कॉमर्स कंपनी बनी थी, कौन सी थी? शादी.com। उसके बाद दूसरी कौन सी बनी थी? नौकरी.com जो है वो बनी, फिर 2007 से अब तक। और ये तेज गति से विकास हुआ क्योंकि इंटरनेट का जो स्पीड है वो क्या हो गई है? बढ़ गई है। और अभी तक ई कॉमर्स को नियमित करने के लिए कोई पॉलिसी नहीं है, पॉलिसी अभी तक नहीं आई है, सिर्फ क्या आया? पॉलिसी का ड्राफ्ट मसौदा जो है तैयार किया गया, उसकी फुल पॉलिसी जो है वो अभी तक नहीं है। पहली ड्राफ्ट पॉलिसी जो है कब जारी की गई थी? 2019 के अंदर फर्स्ट जो ड्राफ्ट आया था वो 2019 में, और उस फर्स्ट ड्राफ्ट में कहा कि भारत के अंदर ई कॉमर्स के मॉडल जो है कितने प्रकार के होंगे? बेसिकली दो प्रकार के होंगे, एक तो होता है मार्केट प्लेस मॉडल, एक तो कौन सा होता है? मार्केट प्लेस, और दूसरा मॉडल होता है उसको क्या कहते हैं? इन्वेंट्री मॉडल। क्या अंतर होता है मार्केट प्लेस मॉडल में और इन्वेंट्री मॉडल में? तो इन्वेंट्री मॉडल के अंदर तो ई कॉमर्स कंपनी है, यानी उसका इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है और उस इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे उस कंपनी के खुद के ही उत्पाद बेचे जाते हैं, जैसे स्प्रिंग बोर्ड का ऐप है और उस पर कोर्स किसका है? वो भी स्प्रिंग बोर्ड का ही है। यानी ये मॉडल क्या हो गया? इन्वेंट्री मॉडल हो गया। ये कैसा हो गया? इन्वेंट्री मॉडल। और मार्केट प्लेस मॉडल में क्या होगा? मार्केट प्लेस मॉडल में ई कॉमर्स जो कंपनी है वो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है, यहाँ बेचने वाले भी कोई और हैं और खरीदने वाले भी कोई और, आपका खुद का उत्पाद उसके ऊपर बेचा नहीं जाता। अगर खुद का उत्पाद नहीं बेचा जाए तब तो मार्केट प्लेस मॉडल, और अगर खुद के उत्पाद को बेचा जाए तो इन्वेंट्री मॉडल। तो दो प्रकार के मॉडल जो है उसमें होते हैं। जो मार्केट प्लेस मॉडल है उसमें 100% FDI अलाउड है। कितनी परसेंट FDI है? 100% FDI जो है अलाउड है, और इसमें 100% FDI अलाउड नहीं है, ठीक है। हालांकि इसके पूरे नियम अभी तक नहीं आए हैं, परंतु ये है कि इसमें तो अलाउड है और इसमें अलाउड नहीं। और अगर इन दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है, और मिक्सचर हुआ तो फिर उसको क्या कहेंगे? हाइब्रिड मॉडल जो है वो कहेंगे। अगर इन दोनों का मिक्स कर दिया तो हाइब्रिड मॉडल जो है वो कहा जाएगा, उसको क्या कह देंगे? हाइब्रिड मॉडल जो है वो कह देंगे। तो दो प्रकार के मॉडल होते हैं, मार्केट प्लेस और इन्वेंट्री मॉडल जो है वो हुआ करता है। अब वो जो पॉलिसी आई थी, जो ड्राफ्ट पॉलिसी आई थी 2019 के अंदर, जो पहली ड्राफ्ट पॉलिसी आई थी, उसके अंदर और क्या क्या बातें की गई है? तो सबसे पहली बात जो है वो है डेटा लोकलाइजेशन। कौन से कॉन्सेप्ट को उन्होंने बढ़ावा दिया? डेटा लोकलाइजेशन, कि भाई ये ई कॉमर्स कंपनियां हैं, विदेशों से आती है, यहाँ पर काम करती है और भारतीय जो कंज्यूमर है उनके बारे में कई सारी सूचनाएं ले लेती है, और ये सूचनाएं स्टोर कहाँ करते हैं? ये जहाँ की वो कंपनी है, जैसे अगर US की कंपनी है तो कहाँ स्टोर करेगी? US में उनका डेटा सर्वर होगा, वहां स्टोर करेगी। और अब इसके तहत कहा जाता है कि नहीं, वहां इसको स्टोर नहीं करना, कहाँ पर करो स्टोर जो है, कहाँ पर किया जाना चाहिए? भारत में किया जाना। और ये जो सूचनाएं हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो बिना कंज्यूमर की परमिशन के जो सूचनाएं हैं उसको स्टोर नहीं किया जाना चाहिए। पहले तो स्टोर करो ही मत, और अगर वो परमिशन देता है तो स्टोर करो, और कहाँ करो? भारत के अंदर ही करो। और भारत के अंदर करें तो कौन सा कॉन्सेप्ट हो जाएगा? डेटा लोकलाइजेशन जो है वो, और उन सूचनाओं का क्या नहीं किया जाना चाहिए? दुरुपयोग, मिसयूज जो है वो नहीं किया जाना चाहिए। और ई कॉमर्स को रेगुलेट करने के लिए क्या होनी चाहिए? एक अलग से नियामक संस्था, एक रेगुलेटरी जो बॉडी है वो होनी चाहिए। यानी ई कॉमर्स की अभी तक कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। फिर ई कॉमर्स को रेगुलेट करने के लिए एक बॉडी भी हो, और एक पूरा का पूरा क्या होना चाहिए? ई कॉमर्स का अलग से कानून होना चाहिए। लेकिन अभी तक ना तो ई कॉमर्स का कानून बना है, ना ई कॉमर्स की अलग से कोई रेगुलेटरी बॉडी बनी है, ठीक है। ई कॉमर्स के अभी कुछ नियम जो है जरूर जारी किए गए थे, और वो नियम किसके तहत जारी किए गए थे? उपभोक्ता संरक्षण कानून, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसके तहत ई कॉमर्स के जो कंज्यूमर्स हैं, ई कॉमर्स के जो कंज्यूमर्स हैं उनको सुरक्षित करने के लिए कुछ नियम जो है वो जारी किए गए थे। क्या कहा उस नियम के अंदर?
कि किसी भी उत्पाद जो है उसकी क्या नहीं दी जा सकती, गलत सूचनाएं जो है वो नहीं दी, मिस सेलिंग जो है वो नहीं की जा सकती कि भाई उत्पाद जो है उसकी क्वालिटी आप ज्यादा बढ़ाकर दिखा दो या फिर उसके बारे में कुछ जो है वो एडिशनल बातें गलत लिख दो, तो ऐसा नहीं हो सकता। विशिष्ट उत्पाद को अधिक प्रचारित नहीं किया, कोई स्पेशलाइज्ड है आप उसको ही ज्यादा से ज्यादा प्रचारित करो। जैसे कोई सर्च किया आपने, आपका मान लो मोबाइल फोन सर्च किया, तो मोबाइल फोन ने उनको जो सबसे अच्छा मोबाइल फोन उनको जो लगता है उसको तो सर्च रिजल्ट में सबसे पहले आ रहा है और बाकी कुछ जो है बहुत पीछे आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता किसी एक विशिष्ट उत्पाद को तो बहुत ज्यादा प्रचारित कर रहे हो और बाकियों के साथ में डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उपभोक्ताओं की जो सूचनाएं हैं परमिशन, अगर उसको स्टोर करते हो तो क्या करना पड़ेगा, पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। और अगर आप बाहर से आयात करते हो, अगर कोई उपभोक्ता है और वो किसी उत्पाद को खरीदना चाहता है ई कॉमर्स पर और वो उत्पाद वो प्रोडक्ट कहां से बाहर से आ रहा है, बाहर से आ रहा है, तो उस कंपनी को क्या बताना पड़ेगा, उसका लोकल ऑल्टरनेटिव बताना पड़ेगा कि ये जो है उसको बाहर से क्यों खरीद रहे हो, यहां पर भी मिलता है। जैसे मान लो ये बोर्ड है, बाहर से अगर आप ला रहे हो, चाइना से अगर मंगा रहे हो, तो चाइना से मंगा रहे हो तो वहीं पर जैसे चाइना पर उसको क्लिक करोगे तो फिर एक और नोटिफिकेशन आएगा और वो कहेगा कि भारत में भी ऐसा एक बोर्ड मिलता है, चाहो तो वहां पर वहां से भी खरीद सकते हो, और कोई अगर जो है वो ज्यादा ही भावुक हो तो वो खरीद भी लेगा। भारतीय विकल्प और फ्लैश सेल जो है उसकी ऑर्गेनाइज नहीं, फ्लैश सेल का मतलब ये जो बहुत बड़ी छूट जो दी जाती है, बिग बिलियन डे ऐसा ऑर्गेनाइज करते हैं और फिर के भाई सब दिवाली के ऊपर जो है बिल्कुल सस्ते में मिल रहा है, एक रुपए के अंदर चीजें मिल रही है, ऐसा ये फ्लैश सेल जो है उसको ऑर्गेनाइज नहीं किया जा सकता। हालांकि अभी तक ये जो रूल्स हैं वो ड्राफ्ट हैं, ये रूल भी कैसे हैं, ड्राफ्ट ही रूल है, और अभी जो है वो इनके ऊपर चर्चाएं चल रही है कि ये फ्लैश सेल वाकई में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसके ऊपर अभी भी मिनिस्ट्री जो है वो कॉमर्स मिनिस्ट्री अभी भी पूर्ण रूप से क्लियर नहीं है, ठीक है, पर उन्होंने बाकी सब तो पढ़ने पड़ ली। एक ये बात है फॉल बैक लायबिलिटी, इसको जरूर ध्यान में रखें। फॉल बैक लायबिलिटी क्या मतलब है कि अगर कोई उत्पाद जो है वो घटिया उत्पाद बेच दिया गया, दिखाया उसके अंदर के साहब ये सब अच्छे अच्छे चीजें हैं उसके अंदर और जो कंज्यूमर उसने क्या कर लिया, उसको खरीद लिया, तो इसकी जो लायबिलिटी है या फिर आपको जो है वो डैमेज प्रोडक्ट मिल गया, प्रोडक्ट मिला है वो कैसा है, डैमेज है, तो इसकी जो लायबिलिटी होनी चाहिए, जिम्मेदारी होनी चाहिए, इस रूल्स में कहा है कि जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए, ई कॉमर्स कंपनी की होनी चाहिए, जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए, ई कॉमर्स कंपनी, जबकि ई कॉमर्स कंपनी कह रही है कि सब इसमें हमारी क्या जिम्मेदारी है भाई, हम सिर्फ एक मीडिएटर हैं और मीडिएटर में खरीद करने वाला और बेचने वाला है, अगर बेचने वाले ने अगर सही प्रोडक्ट नहीं भेजा है तो वो उन दोनों के आपस में बात होनी चाहिए, हमारा इसमें कोई रोल नहीं होना चाहिए, जबकि सरकार कह रहा है कि नहीं आप मीडिएटर हो तो आपका भी इसमें जिम्मेदारी है, इसको क्या कहा जाता है, फॉल बैक लायबिलिटी जो है वो कहा। तो ये जो ई कॉमर्स रूल है उसमें फॉल बैक लायबिलिटी जो है उसकी बात कही गई। फिर है अकाउंटिंग का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बेसिक अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट। तो अकाउंटिंग के अंदर अकाउंटिंग का होता क्या मतलब, जो भी लेन देन है किसी कंपनी के, जो भी लेन देन होते हैं वो एक जगह लिखे जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है, अकाउंट्स कहे जाते हैं। अकाउंट से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो है यूज में आते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसका मतलब क्या होता है, बिजनेस अलग होता है और उसका मालिक अलग होता है, उसके मालिक का अकाउंट अलग है और बिजनेस के अकाउंट अलग है, दोनों के अकाउंट क्या होंगे, अलग होंगे। दिलीप सर का अकाउंट अलग होगा, स्प्रिंग बोर्ड का अकाउंट अलग होगा, ये दोनों जो है वो अलग अलग हैं, दोनों के हिसाब किताब अलग अलग चलने चाहिए। इसको क्या, इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट या व्यावसायिक इकाई संकल्पना कहा जाता है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट मुद्रा मापन की संकल्पना, कि जो अकाउंट में जो चीजें लिखी जाए उसमें सिर्फ वही चीजें लिखी जानी चाहिए जिसको हम किसमें मेजर कर सकते हैं, मुद्रा में मेजर कर सकते हैं, मनी में मेजर कर सकते हैं, हमारी टीम बहुत अच्छी है, ये मुद्रा में मेजर नहीं हो सकता, हमने एक बहुत अच्छा एचआर जो है रख लिया है, ये मुद्रा में मेजर नहीं किया जा सकता। ये क्या करना पड़ेगा, जो चीज मुद्रा में मेजर की जा सकती है, हमने 10 एसी खरीदे हैं तो उसका क्या कॉस्ट लगा, तो कॉस्ट लगा उत्तर लिखो, वो तो अकाउंट में लिखा जाएगा, जिस चीज को मनी में मेजरमेंट नहीं हो सकता वो अकाउंट में नहीं लिखा जाएगा। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, निरंतरता की संकल्पना, ये कहता है कि कोई भी बिजनेस है तो उसमें अंदर अकाउंट्स ये सोच के रखता है, समझ के रखता है कि ये जो बिजनेस है वो चलता रहेगा, ऐसे नियर फ्यूचर में कोई बंद होने वाला नहीं है, अगर नियर फ्यूचर में बंद नहीं होने वाला ऐसा पहले से समझ के चलो, तब आप अकाउंट जो है मेंटेन कर पाओगे। तो इसको कौन सा क्या कहते हैं, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहते हैं। फिर होता है कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का मतलब है अकाउंट्स जो मेंटेन किए जा रहे हैं उसमें हर साल क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि पिछले साल तो आपने दूसरे तरीके से अकाउंट मेंटेन किए थे, इस साल अलग तरीके से मेंटेन कर रहे हो, भाई पिछले साल तो हम एक पूरे साल का, एक साल शुरू होता था 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक और इस साल शुरू होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, तो दोनों के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं रही। आपका फाइनेंशियल ईयर है तो हमेशा ही क्या होना चाहिए, एक जैसा ही होना चाहिए, एक जैसा होगा तब तो कंपेयर किया जा सकेगा और नहीं है तो फिर कंपेयर नहीं किया जा सकेगा, इसलिए कंसिस्टेंसी का रूल जो है होना चाहिए। एक्रुअल उपार्जन की संकल्पना, कोई लेन देन जो है उसको तब दर्ज कर लिया जाए, किसी
जब वह किया गया हो, लेन देन जब किया गया तब उसको दर्ज किया जाए, ना कि जब उसका भुगतान हुआ हो। मतलब जैसे आपने आज कोई चीज बेच दी, किसी कोई कंपनी है और उस कंपनी ने क्या चीज क्या किया, कुछ चीज को बेचा है, बेचा तो लेन देन हो गया, ठीक है, लेन देन हुआ तो उसी समय अकाउंट में उसको लिख लिया जाए, भले ही वो उधार में बेचा हो। अब पेमेंट आएगा अगले महीने, पेमेंट हो सकता है अगले महीने आए, परंतु अकाउंट के अंदर क्या लिखोगे, उसी समय उसको अकाउंट में लिख लिया जाएगा। इसको क्या कहा जाता है, उपार्जन की संकल्पना, उसको एक्रुअल। फिर अकाउंटिंग का पीरियड कितना होता है, एक वर्ष या एक वित्तीय वर्ष होना चाहिए। फुल डिस्क्लोजर का मतलब कि अकाउंट्स के अंदर सभी चीजें जो है वो क्या की जानी चाहिए, खुलकर बताई जानी चाहिए। किसी भी प्रकार की बात को क्या मत करो, छुपाओ मत। कि अगर घाटा हो रहा है तो घाटे को भी दिखाओ, फायदा हो रहा है तो फायदे को भी दिखाओ। ऐसा नहीं है कि साहब घाटा होगा तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए इसको तो घाटे वाली चीज को जो है वो नहीं दिखाएं, उसको भी दिखाया जाना चाहिए। फुल डिस्क्लोजर होना चाहिए, क्योंकि किसी बात को अगर छुपाया गया तो फिर उस अकाउंट्स जो है वो सही नहीं होंगे, और अकाउंट सही नहीं होंगे तो निर्णय सही नहीं लिए जा सकेंगे। तो ये सारे को, सबसे पहला कॉन्सेप्ट कौन सा है, बिजनेस एंटिटी। मतलब क्या है इसका, मतलब मालिक और बिजनेस अलग अलग होते हैं। मनी मेजरमेंट, सिर्फ ऐसी चीजों को रखो जो कि मनी में मेजर किया सकते। गोइंग कंसर्न, कंपनी कोई बंद होने वाली नहीं है, नियर फ्यूचर में। कंसिस्टेंसी, हर साल एक जैसे होनी चाहिए। एक्रुअल, कोई ट्रांजेक्शन जो है तब लिखा जाना चाहिए जब वो हो गया है, ऐसा नहीं है कि जब उसका भुगतान के लिए इंतजार नहीं किया जाना चाहिए। अकाउंटिंग पीरियड, एक अकाउंटिंग पीरियड एक फाइनेंशियल। फुल डिस्क्लोजर मतलब सभी चीजों का क्या करो, डिस्क्लोजर करो। कुछ और है, कॉस्ट, हिस्टोरिकल अटल कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब, तो कॉस्ट की संकल्पना, लागत की संकल्पना कहती है किसी भी चीज को अगर लिखा जाए तो उसकी पूर्ण लागत जो है वो लिखी जानी चाहिए। उसकी क्या लिखो, कंप्लीट कॉस्ट लिखो, ऐसे आधी बढ़ती कॉस्ट जो है वो नहीं लिखा जाए। साहब चार एसी खरीदे तो ऐसे नहीं, एक एसी 50,000 का है तो चार एसी 2 लाख रुपए के हो गए और अकाउंट में लिख दिया कि 2 लाख के एसी खरीदे। नहीं, एसी खरीदा है तो फिर एसी को जो है वो वहां से मंगाया भी होगा, तो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट लगा होगा, फिर उसको इंस्टॉल किया होगा तो इंस्टॉलेशन का कॉस्ट भी लगा होगा। तो ये सारी कॉस्ट जो है वो लिखी जानी चाहिए, फुल कॉस्ट जो है वो लिखी जानी चाहिए। ये कॉस्ट की संकल्पना होती है। फिर मैचिंग, आपका पिछले साल का, मतलब एक साल का, एक वित्तीय वर्ष की अकाउंटिंग हो रही है, एक वित्तीय वर्ष में कितना तो रेवेन्यू हुआ है और कितना आपका एक्सपेंडिचर हुआ है, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, उसको क्या करो, मैच करो। इस साल का इसी साल से मैच होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि इस साल का तो रेवेन्यू है और मैच किससे कर रहे हो, इस साल वाले से एक्सपेंडिचर से मैच कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैचिंग क्या होनी चाहिए, उसी साल की, तो उससे पता लगेगा रेवेन्यू ज्यादा है या एक्सपेंडिचर ज्यादा है। अगर रेवेन्यू ज्यादा है तब तो लाभ हो रहा है, और अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो घाटा हो रहा है, ठीक है। तो सीधे सिंपल सी बात जो है वो पता लगेगी। तो इसलिए मैचिंग किसकी होनी चाहिए, उसी साल की होनी चाहिए, अलग अलग मैचिंग नहीं होनी चाहिए। इसको कहते हैं मैचिंग की बात। और ड्यूअल एस्पेक्ट, कोई भी ट्रांजेक्शन जो होता है अकाउंट के अंदर, ये कहते हैं कोई भी लेन देन होता है तो वो दो जगहों पर क्या करता है, प्रभावित, दो जगहों पर जो है वो उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर कोई ओनर है और ये कोई बिजनेस है, ओनर ने बिजनेस के अंदर कुछ पैसे लगाए, एडिशनल पैसे लगा दिए, एडिशनल पैसे लगा दिए 50 लाख रुपए जो है वो और लगा दिए, इससे इसका प्रभाव, ये एक ट्रांजेक्शन हुआ, इस ट्रांजेक्शन का प्रभाव दो जगह पड़ेगा, एक तो ओनर के अकाउंट पर और एक बिजनेस के अकाउंट पर। ओनर के अकाउंट पर तो क्या पड़ेगा, उसकी जो एसेट्स हैं वो बढ़ गई, कितने से बढ़ गई, 50 लाख रुपए से बढ़ गई, उसकी तो हिस्सेदारी 50 लाख से बढ़ गई। और बिजनेस अलग है, बिजनेस को दिए गए हैं 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपए दिए तो इस बिजनेस को 50 लाख वापस क्या करने हैं, चुकाने, तो इस बिजनेस की क्या है, लाइबिलिटी, और बिजनेस की क्या बढ़ गई, लाइबिलिटी। तो ट्रांजेक्शन एक जगह होता है, असर कितने जगह पड़ता है, दो जगह पड़ता है। इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, ड्यूअल एस्पेक्ट। रेवेन्यू रिकॉग्निशन का मतलब भी वही कि भाई जब आप सेल हो जाए तभी उसको क्या कर लो, रेवेन्यू में काउंट कर लिया जाए। इस बात का इंतजार नहीं किया जाना चाहिए कि भाई इसका वास्तविक में पेमेंट जो है वो कब आएगा। हो सकता है कि पेमेंट बाद में आए और आप अभी का भी जो है उसको लिख लोगे कि भाई आपने आज सेल कर दी, आज सेल की है तो अभी तो सेल हो गई है। हो सकता है कि पेमेंट क्या हो, अगले महीने आए, पेमेंट हो सकता है अगले महीने आए, परंतु रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कब कर लेंगे, इसी समय रिकॉग्नाइज कर लेंगे, इस महीने में ही रिकॉग्नाइज जो है वो कर लिया जाएगा। इसको क्या कहते हैं, रेवेन्यू रिकॉग्निशन या आगम मान्यता संकल्पना। फिर होता है ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है जितने भी लेन देन है उनको कोई ना कोई सपोर्टिंग एविडेंस उसका होना चाहिए। मतलब बिल लगाना पड़े, कोई भी चीज लिख रहे हो कि भाई 5 AC खरीदे तो 5 AC खरीदो, उसका क्या लगाओ, बिल लगाओ, बिल लगाओगे तो वो ऑब्जेक्टिविटी उसके अंदर आएगी। फिर मटेरियलिटी, मटेरियलिटी सारता की संकल्पना क्या कहती है, ये कहती है कि साहब जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें वही लिखी जानी चाहिए, फालतू की बातें, कुछ छोटी मोटे खर्चे किए कर रहे हो वो उस अकाउंट में नहीं होने चाहिए। कुछ कई छोटे मोटे खर्चे भी हो रहे हैं उसको मत लिखो, ऐसा कि भाई एसी लाए ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट लगा ठीक है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट लगा ठीक है, फिर वो जो मजदूर आया था उसको एक चाय पिलाई थी उसका भी कॉस्ट लिख दिया आपने, तो ऐसा कॉस्ट नहीं लिखा। एक पेन लाए थे
उसका कॉस्ट लिख दिया, एक रबड़ लाए थे उसका कॉस्ट लिख दिया। अरे ये छोटे मोटे खर्चे हैं, ऐसे लिखोगे तो आपका अकाउंट बहुत बड़ा हो जाएगा। इसको एक साथ मिसलेनियस खर्चे या स्टेशनरी के खर्चे एक साथ डालो और उसको साथ साथ में निपटा दो। मटीरियल खर्चे जो कि निर्णय लेने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वही निर्णय लिखे जाने चाहिए, बाकी लिखे नहीं जाने चाहिए। कंजर्वेटिव अप्रोच जो है वो होनी चाहिए, रूढ़िवादिता या विवेकशीलता की अप्रोच। ये क्या कहती है? ये कहती है कि अगर कोई कंपनी के आप अकाउंट लिख रहे हो तो अकाउंट लिखते समय अगर कोई घाटा होने वाला है तो घाटा होने वाला है तब तो उसके लिए तो क्या होने चाहिए, सफिशियंट प्रोविजन होने चाहिए, पहले से ही उसके लिए प्रबंधन करके रखो। और जो फायदा होने वाला है उसको तब तक मत लिखो जब तक कि क्या ना हो जाए, फायदा हो नहीं हो जाए। ऐसा नहीं है कि साहब दिवाली आएगी, दिवाली में तो अपने खूब सेल होने वाली है और 2 करोड़ रुपए अपने पास में आने वाले हैं और उसके हिसाब से 2 करोड़ रुपए वहां से आ जाएंगे तो अभी से खर्चा करना शुरू कर दो। अरे लोग पूछे खर्चा क्यों कर रहे हो, अरे दिवाली आ रही है, अरे दिवाली आ रही है, अगर कोरोना का लॉकडाउन लग गया तो फिर बैठ जाएंगे। तो जब तक लाभ ना हो जाए तब तक लाभ को लिखा नहीं जाए, और हानि होने वाली है तो उसके लिए पहले से प्रबंधन रखना चाहिए। ऐसी इसको क्या कहते हैं, रूढ़िवाद। कॉस्ट का मतलब सारी की सारी कॉस्ट लिखी जानी चाहिए, मैचिंग उसी वर्ष का मैचिंग की जानी चाहिए, ड्यूअल एस्पेक्ट कोई भी जो ट्रांजेक्शन होता है कितने खातों पर प्रभावित करता है, 2 खातों पर। रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करो जब वो हो गया है, ऑब्जेक्टिविटी सपोर्टिंग एविडेंस बिल लगाओ, मटेरियलिटी सिर्फ इंपॉर्टेंट बातें लिखो, कंजर्वेटिव जो घाटे होने वाले हैं उसको तो पहले से प्रबंधन करेगा, फायदा जब तक ना हो जाए तब तक फायदे को मानना नहीं है। ये होते हैं टूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो ये तो हो गए अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट, हालांकि इसमें आएगा नहीं, क्वेश्चन आने के बहुत कम चांस है, परंतु फिर भी कोई खुदा न खास्ता आ ही जाए तो इतना पढ़ लिया तो क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन जो आने वाला है नहीं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वित्तीय लेखांकन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब टूल्स ऑफ अकाउंटिंग 3 प्रकार की अकाउंटिंग होती है, एक तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, एक कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में वित्तीय लेन देन जो है उसको लिखा जाता है, जैसे उसके अंदर क्या लिखा जाएगा, जितने भी फाइनेंशियल रिजल्ट है आपके वित्तीय परिणाम है, जैसे कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी की क्या होगी, एक बैलेंस शीट होगी, बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटी की बातें लिखी जाएगी, कंपनी की परिसंपत्तियां कितनी है, कंपनी की देनदारियां कितनी है, वो सब जो है वो जहां पर लिखेंगे उसको ये वो कैसी अकाउंटिंग हो गई, फाइनेंशियल। एक होता है कंपनी के अंदर कैश का फ्लो जो है वो कैसे हो रहा है, पैसे कहां से आ रहे हैं और वो कहां कहां खर्च होते हैं, तो वो भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। ठीक है, बैलेंस शीट, लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस, कौन से अकाउंटिंग, प्रॉफिट और लॉस की, तो एक अकाउंट होगा उसमें प्रॉफिट और लॉस के बारे में लिखा जाएगा, पिछले साल कितना प्रॉफिट हुआ, इस साल कितना प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ तो लॉस जो है वो कितना हुआ है। तो ये सब अगर दर्ज करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं। दूसरा होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में सभी प्रकार की कॉस्ट लिखी जाती है, जितनी भी प्रकार की कॉस्ट है, अलग अलग प्रकार की ह्यूमन रिसोर्सेज हैं तो सैलरी की कितनी कॉस्ट लग रही है, आप अगर कोई वस्तु खरीद रहे हो, एसेट्स खरीद रहे हो, पूंजी खरीद रहे हो तो उसकी कितनी कॉस्ट लग रही है, आपकी बेसिक कॉस्ट कितनी है, आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी है, ये सभी प्रकार की कॉस्ट जो है उसमें लिखी जाती है। अगर कॉस्ट लिख रहे हैं, लागत लिख रहे हैं तो लागत लेखांकन। और तीसरा क्या होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है, सिर्फ महत्वपूर्ण जो मैनेजमेंट है वो इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सके, वो महत्वपूर्ण निर्णय ले सके, इसलिए जितनी भी अकाउंट्स के अंदर जो भी डिटेल्स आपके पास में आई उसको फिर एक छोटा उसका समरी बनाओ, उसके नोट्स बनाओ, और नोट्स भी बहुत अच्छे तरीके से बनाओ ताकि मैनेजमेंट के सामने क्या किया जा सके, उसको पेश किया जा सके, और वो मैनेजमेंट उसको फटाफट देख ले और देख कर उसको क्या ले सके, निर्णय ले सके कि अपन को नए निवेश करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, ये कंपनी बंद कर देनी चाहिए या क्या करना चाहिए, नया कोई मर्जर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सब निर्णय वो ले सके, इसके लिए कौन सी, मैनेजमेंट अकाउंट। तो अकाउंटिंग के टूल कितने हैं, 3, एक तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा कॉस्ट अकाउंटिंग और तीसरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो होता है। फिर यूजेस, अकाउंटिंग क्यों करते हैं, ये टैक्सेस का पता लग सके कि टैक्स जो है वो कितने भरने हैं, और सरकार के लिए भी टैक्स कितने आने वाले हैं ये पता लगता है किससे, इससे। एक्सपेंसेस, आपके जो खर्चे हो रहे हैं, तो जैसे सरकार के दृष्टिकोण से देखें तो सरकार के रेवेन्यू के खर्चे होते हैं और कैपिटल के भी खर्चे होते हैं, तो रेवेन्यू के एक्सपेंडिचर कितने हैं, कैपिटल के एक्सपेंडिचर कितने हैं, ये कैसे पता लगेगा, जब तक अकाउंटिंग नहीं करोगे तब तक ये बात पता नहीं लगेगी। कंट्रोलिंग फ्रॉड, अगर कहीं पर कुछ घोटाला हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो वो भी किससे पता लगेगा, इसी से पता लगेगा। और क्रेडिटर और डेटर के, लेनदार और देनदार कितने हैं, कि भाई कितने तो अपन को पैसे देने हैं, किसी को देने हैं तो कितने देने हैं, कहीं से लेने हैं तो कितने लेने हैं। जैसे सरकार है तो केंद्र सरकार जो है उधार देती भी है और उधार लेती भी है, तो कितना तो आपको उधार में देना है और कितना उधार में, जिसको पहले से उधार दिया है उससे कितना लेना है, तो ये दोनों बातें जो है पता लग जाती है। सेल और
जो सेल परचेज की बातें जो है वो पता लग जाएगी, और व्यापार का क्या कर सकोगे कि आप सही मूल्यांकन, व्यापार का जो सही मूल्यांकन कर सकोगे, वैसे अगर सरकार के दृष्टिकोण से देखें तो सरकार की वित्तीय हालत का क्या कर सकोगे, सही मूल्यांकन करोगे, तो फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट करोगे, रेवेन्यू डेफिसिट कैलकुलेट करोगे, प्राइमरी डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, बजट डेफिसिट, ये सब कैलकुलेट करके पता लगेगा सरकार की वित्तीय हालत कितनी। और ये सब कैलकुलेट करने के लिए क्या करनी पड़ेगी, अकाउंटिंग, अकाउंटिंग जो है वो करनी पड़ेगी। और जैसे अकाउंटिंग करते हैं तो भारत में क्या जारी करते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या, कैसी अकाउंटिंग होगी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वो कैसी होगी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो, तो इस तरीके से जो है वो अकाउंटिंग ये होते हैं यूज। तो ये हो गया आपका इंडस्ट्री वाला टॉपिक। अब ये टॉपिक बचा है
वो